नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बिहार डेली क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार में आज क्राइम से जुड़ी पांच प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। खबर गुमला से है, जहां जिला के सदर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शनिवार देर शाम एक ही परिवार के तीन लोगों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही गुमला पुलिस देर रात घटनास्थल पर पहुंची और तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मामला सदर थाना क्षेत्र के लूटो पंसो गांव का है। जिनकी हत्या की गई है उनमें बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी पत्नी और उनकी बहू शामिल है। घटना के संबंध में गुमला थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले को देखकर लगता है कि तीनों की हत्या आपसी विवाद में की गई है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों को से पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है कि मृतकों और आरोपियों में पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। दोनों के बीच कई बार झगड़ा होने के बाद उन्हें शांत किया जा चुका था, लेकिन आरोपी इतनी बड़ी घटना का अंजाम देंगे इसकी भनक किसी को नहीं थी। हत्या का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस हत्या के आरोप में पुलिस ने बिप्ता उड़ाव और जुल्लू उड़ाव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में और भी आरोपी है जो सभी फरार हैं। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खबर भागलपुर से है, जहां त्रिपुरा से चला गांजे का जखीरा को एनसीबी की टीम के हत्थे चढ़ गया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से एनसीबी की टीम ने त्रिपुरा से भागलपुर पहुंचे ट्रक से न केवल 3.5 क्विंटल गांजा बरामद किया, बल्कि इस तस्करी में शामिल तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एनसीबी की इंटेलिजेंसी टीम को सूचना मिली कि त्रिपुरा से एक ट्रक में गांजा लेकर डिलीवरी करने के लिए भागलपुर लाया जा रहा है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर कुमार मनीष ने एनसीबी की आधा दर्जन सदस्यों वाली एनसीबी टीम को गांजे की इस बड़ी खेप को पकड़ने का निर्देश दिया। वही टीम भागलपुर पहुंची और पुलिस को साथ लेकर 0 माइल थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर पहुंची और घेराबंदी में जुट गए। इसी दौरान एक ट्रक आता दिखाई दिया तो उसे इशारा करके रोका गया और ट्रक व इसके चालक को घेर लिया। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के नीचे बनाए गए 5 चैम्बर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। उसे जब तौला गया तो करीब 350 किलो निकला, जिसकी बाजार की कीमत 15 से 16 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पटना से है, जहां शनिवार को पटना में छात्रों ने काफ़ी उत्पात मचाया था। दरअसल सरकार ने अम्बेडकर छात्रावास को खाली कराने का आदेश जारी किया था, जिसका आक्रोश जताने के लिए छात्र सड़क पर उतरे और कई घंटों तक पुलिस को छकाया। इस मार्च का नेतृत्व छात्र नेता और लोजपा के कार्यकर्ता अमर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। इस मामले में गांधी मैदान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही अन्य कई कानून के उल्लंघन करने का मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां शिकारगंज थाने के गोडिया में सिकरना नदी में नाव पलट गई, जिसमें नाव पर सवार लगभग 20 से अधिक लोगों की नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक सभी नाव पर सवार होकर पशु के लिए चारा लाने निकले थे। इसी दौरान हादसा हो गया और नाव सिकरना नदी में पलट गई। शिकारगंज थाना अध्यक्ष के अनुसार अब तक एक बच्ची का शव नदी से निकाला जा चुका है, जिसकी पहचान चांदनी कुमारी के रूप में की गई। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना पर घटनास्थल पर भारी भीड़ उभर पड़ी। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में कोहराम मच गया, देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्थानीय थाना व पदाधिकारी पहुंचकर कार्रवाई में जुटे हुए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी नाव सवार पशु चारा के लिए नदी के रास्ते गए थे। डूबे लोगों को निकालने में स्थानीय गोताखोर सहित प्रशासन जुटी हुई। वहीं शिकारगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है, बाकी की खोज जारी है। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां एक पुलिसकर्मी का पुत्र शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार हुआ है। अपने पिता की वर्दी को पहनकर शराब के नशे में लोगों पर रौब झाड़ रहा था, उसी वक्त हंगामा करते लोगों ने उसे धर दबोचा। हंगामा करने वाले व्यक्ति की पहचान मुसहरी थाना के चौकीदार महेश पासवान के पुत्र धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई है।
बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति मुसहरी थाना क्षेत्र के पहलादपुर चौक एवं रघुनाथपुर गांव में जमकर बवाल काट रहा था। शराब के नशे में जनता ने इसे पुलिस के हवाले किया। वहीं ब्रेथ एनालाइजर्स मशीन लगाकर उसके शराब पीने की पुष्टि भी की गई, क्योंकि मामला विभाग से जुड़ा हुआ था। तो वहीं आनंद फानंद में उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। घटना के प्रति जीरो टॉलरेंस प्रकट करते हुए डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार पांडे ने दिया है कि कड़ी कार्रवाई के आदेश। पुलिस के कपड़े में उसका वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। तो ऐसे ही बिहार से जुड़ी क्राइम की 5 प्रमुख खबर को देखते रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।